मेरे दिल को ये क्या हो गया, मैं न जानू कहाँ खो गया। क्यों लगे दिन में भी रात है, धूप में जैसे बरसात है। ऐसा क्यों होता है बार बार, क्या इसको ही कहते हैं प्यार। ऐसा क्यों होता है बार बार, और आज हम गाना सीखेंगे वो है मेरे दिल को ये क्या हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अपना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि फर्दर तौर पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं। तो ये जो सॉन्ग है ये है डी मेजर स्केल पे। ठीक है, तो पहला वर्ड हुआ डी मेजर, द सेकंड वन इज जी मेजर, द लास्ट वन ए मेजर। तो ये तीन कॉर्ड्स यूज हुए सिर्फ इस गाने में, डी मेजर, जी मेजर एंड ए मेजर। तो ये तीनों ओपन कॉर्ड्स यूज हुए इस सॉन्ग में। तो ये बिगनर्स के लिए भी बहुत ही आसान सा सॉन्ग होगा, ये वो पिक कर सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो डी मेजर, जी मेजर एंड ए मेजर। ठीक है, चलिए रिदम देख लेते हैं। रिदम कुछ इस तरीके से, तो ये है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। और स्लो कर रहा हूं मैं इसको, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। अब इस रिदम को आप दो पार्ट में ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए तो इसको जो पहला पार्ट है डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, ये पहला पार्ट मैं फिर से बता रहा हूं, डाउन अप डाउन अप डाउन, ये पहला पार्ट है डाउन अप डाउन अप डाउन। अब जो सेकंड पार्ट है अप डाउन डाउन अप, लास्ट का डाउन अप है वो एज अ फिलर भी काम करेगा। डाउन अप जब आप कॉर्ड चेंज करते हैं या फिर कंटिन्यूअसली उसको रिदम को बजा रहे होते हैं। ठीक है, अब दोनों पार्ट को कंबाइन कर देते हैं, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। पहले आप इसको स्लो बजाइए, जब समझ में क्लियर हो जाए रिदम तब इसको थोड़ा सा फास्ट करिए सॉन्ग के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए अब सॉन्ग को देख लेते हैं कैसे प्ले। चलिए अब देख लेते हैं सॉन्ग को कैसे प्ले करना है। ठीक है, तो जो पहली दो लाइन उनके लिए कॉर्ड है डी, ये प्रोग्रेशन बता रहा हूं मैं, डी जी ए डी। ठीक है, मेरे दिल को ये क्या हो गया, मैं न जानू कहां खो गया। अब सेम प्रोग्रेशन दूसरी लाइनों के लिए, आगे की दो लाइनों के लिए भी यही है, क्यों लगे दिन में भी रात है, धूप में जैसे बरसात है। ऐसा, अब इसमें चेंज हो जाएगी, ऐसा क्यों होता है बार बार। तो इसमें टी ए जी डी है। ठीक है, जब ऐसा पे आए तो स्ट्रोक मारे, ऐसा क्यों होता है बार बार। ए पे डी पे सिर्फ तीन चार स्ट्रोक पड़ेंगे, अपने अकॉर्डिंग मार लीजिएगा जब आप गाने गाना गा रहे हो साथ में। ऐसा क्यों होता है बार बार, ए पे रिदम शुरू होगी, बार इसको ही कहते हैं प्यार। ठीक है, ये लाइन फिर से होगी, लेकिन इस बार सिंगल स्ट्रोक नहीं पड़ेगा डी पे, पूरी रिदम बजेगी, ऐसा क्यों होता है बार बार, क्या इसको ही कहते हैं प्यार। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये याद रखना है कि डी ए ये हुआ है चेंज, डी ए हाफ हाफ रिदम बजी है। सपने नए रंगने लगे, दुनिया मेरी सजने लगी। तो ये जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो डी ए है। ठीक है, फिर जो सेकंड लाइन के लिए है वो जी और डी है। सपने नए सजने लगे, दुनिया में
आगे की दो लाइनों के लिए भी यही अब जो इसके बाद का पार्ट है वो सेम जो पहला पैराग्राफ हमने बजाया था उसी की तरह है, ठीक है। जो प्रोग्रेशन है वो डी जी ए डी हो जाएगी, ठीक है, सेम जैसा पहला पार्ट था, ठीक है। मती होशियों का है समा, ठीक है, सेम वही पार्ट जैसे प्रोग्रेशन ऊपर थी वैसे यही रहेगी। फिर वापस आएंगे इस लाइन पे, ऐसा क्यों होता है बार बार, तो यही रिपीट होता रहेगा बार बार। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा सॉन्ग आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, सॉन्ग कॉर्ड और रिदम के साथ में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना। मेरे दिल को ये क्या हो गया, मैं ना जानू कहाँ खो गया, क्यों लगी दिल में भी रात है, धूप में जैसे बरसात है, ऐसा क्यों होता है बार बार, क्या इसको ही कहते हैं प्यार, ऐसा क्यों होता है मेरे दिल को ये क्या हो गया, मैं न जानू कहाँ खो गया, क्यों लगे दिल में भी रात है, धूप में जैसे बरसात है, ऐसा क्यों होता है बार बार, क्या इसको ही कहते हैं प्यार, ऐसा क्यों सजने लगे दुनिया नई लगने लगी, पहले कभी ऐसा ना हुआ, क्या प्यास है तजने लगी। वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मुझे आप सर्च भी कर सकते हैं बैंकरप्ट डिटेल्स के नाम से।